खारक बांध के 128 डूब प्रभावितों की अब तक सुनवाई नहीं हो पाई है। इनकी सुनवाई को दो बार टाल दिया गया है, जिससे नाराजगी जाहिर करते हुए डूब प्रभावित खारक बांध के पास एकत्रित हुए और खरगोन जाकर कलेक्टर से मिलकर इस विषय पर चर्चा करेंगे। जल्द ही सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग करेंगे। दलित जागृत आदिवासी संगठन ने बताया कि खारक बांध के 128 डूब प्रभावितों को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। इसके लिए इनकी सुनवाई बाकी है, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं। पहली सुनवाई 26 अगस्त को थी। सुनवाई में गए भी थे लेकिन जज नहीं आए। इसके बाद दूसरी सुनवाई 30 सितंबर को रखी गई थी। इस दिन भी गए लेकिन जज नहीं आए। इससे ये साबित होता है कि सरकार द्वारा हमें भटकाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों खरगोन में खारक बांध के 129 डूब प्रभावितों ने खरगोन में धरना प्रदर्शन किया था। पत्र मिलने के बाद इन्हें 10 दिनों के अंदर राशि मिलने की बात कही गई थी। वहीं डूब के खास पात्र 128 डूब प्रभावितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। सभी डूब प्रभावित सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव कर निराकरण की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। हक नहीं तो जेल सही, हक नहीं तो जेल सही, हक नहीं तो जेल सही। ते जज भी नहीं आई रही, हम काजे कोई देदा नहीं आई नहीं रही, ऐसी कहानी आई रही हम काजे थी। कितना पैसा? 128 की सुनवाई थी 30 तारीख को। 30 तारीख जज भी नहीं आया था तुम्हारा, क्योंकि तुम तो गुमराह कर रहा है कहीं सरकार। गुमराह कर रही है हम काजे की तरह। हम इन्हीं टाइम पर जा सकते हैं लांदर लोग कर से ही भाई मांग कर रहा सरकार से। और 28 हम 18 दिन वहाँ पे धरना पे बैठे हैं। वहाँ पे आश्वासन दिया गया, हमको तारीख नोटिस दिया गया कि 30 तारीख जज बैठ रहे हैं सुनवाई के लिए 28 के लिए, लेकिन वो 30 तारीख निकलने के बावजूद भी जज वहाँ पे नहीं उपस्थित हुआ है। तो हम कल कलेक्टर के पास जा रहे हैं कि उसका जवाब लेने किस कारण से वो जैसे नहीं बैठा वो जज, तो उसका क्या है। या तो पहले दिन हमको सूचना देना था कि जज आज नहीं आ पाएगा, यहाँ पर ड्यूटी लगे कि वहाँ गया है कि छुट्टी पे, ऐसा कहीं भी हमको पत्र भी नहीं भेजा गया। अचानक लोग वहाँ पे पहुँचे, फिर ऑफिस बंद थी वहाँ पे कि आज जज नहीं आने वाला है ऐसा बोला गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कल हम जाएंगे कलेक्टर के पास, कलेक्टर को जवाब पूछते हैं कि किस कारण जज नहीं बैठा है। या तो 129 का 10 दिन का मतलब विश्वासन दिया और लिखित माध्यम दिया, और 128 का जारी मतलब 30 सितंबर से सुनवाई चलेगी करके बोल दिया, और अगले अगस्त में 26 तारीख वो भी मतलब अचानक मतलब उसी दिन मतलब यहाँ से तारीख पर गया, उसी दिन जज नहीं आया। और अभी भी 30 सितंबर मतलब काल सुनवाई थी 26 लोगों को, काल भी कई सूचना दिया, कई ने कहे कि अचानक मतलब कि जज का जे जो चुनाव में मतलब लगाने करता ड्यूटी लगा देता तीन आया ऐसा करें कहने माइ ती जो तो रिटायर जज छे ते हेरू काल का मतलब ने चुनाव में ड्यूटी ओसा हमारे कहने पड़ रहे थे। हई वो तो पत्र भी दिया गया था, पत्र तो मतलब 129 का पत्र दिया, वो 10 दिन में पैसे वितरण करने के। 128 का मतलब सुनवाई लेने 30 तारीख से मतलब बोला था 30 सितंबर से, तो काल मतलब अचानक बोल दिया कि मतलब चुनाव में मतलब जिनको ड्यूटी लगा दिया उसी कारण में मतलब जज आई नहीं, ऐसा कहीं कहना पड़ रही है। तारीख दी गई इसके बाद? अभी तारीख नहीं, कहने अगला भी मतलब मालूम नहीं कि पत्र नहीं आया सीधा उधर मतलब इंद्र मन सीख जाता। क्या मांगता था हम का ये कि नहीं काल 30 सितंबर हमारे पास पत्र आना हो तो कि तुम नहीं आना जुए करें, यह मानसी मतलब 27 मानस था खरगोन तक पहुंच गया, चांद जाइन कही कि मतलब ऑफिस बंद होती, तो हम का पहले कहना तो सूचना अपना तो कि मानसक नहीं आवे कि मतलब चुनाव मतलब जो जो भी मानसों का जो ड्यूटी लगा देता तिथर नहीं आवा ऐसे कौन होता। हम का जो कई सूचना नहीं था मानसे जहाँ तक पुग गया सिंचाई विभाग में, जहाँ जाए मतलब सोलंकी साहब कही कि अचानक हम का जो खबर आ गई तुम्हारे पास पत्र चाहिए, तो हमारे पास कोई पत्र नहीं ऐसा इंद्र कौन पड़े। अभी 10 दिन में यदि तुम्हारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो इसके बाद नहीं, वो तो हम जाएंगे 10 दिन में, वो जो मतलब मुआवजे नहीं देगा वो तो हमारे पास लिखित है, 11वां दिन हम जाएंगे। पर 128 के लिए जो दुई बार मतलब झूठ हो गए, अगस्त में 26 तारीख वो भी झूठे गए और 30 सितंबर वो भी झूठे गए, मतलब कि अभी तो सब मानसों का 22 तारीख से चालू कर दिया कि 30 सितंबर में मतलब सुनवाई थी 26 लोगों 27 लोगों ने, वो भी मतलब अचानक मतलब कहीं सूचना नहीं आई ना, बिना सूचना से मतलब आई नहीं। तो हम का ये और कि कलेक्टर भी पहले जहाँ तक नहीं मालूम होता चाहते झूठ मिल जाए बाकून, हाँ जब झूठ मिल जाए तो हम काल जोतरा भी 128 मानसे हम वहाँ कलेक्टर का जे पूछने जा सब तार पास कहीं सूचना आई नहीं, तो सूचना आई तो हम कहा कौन होता उससे हम कौन छे तो वहाँ हीरा बारह में हम वहाँ कलेक्टर जाए।
ये बात मेरी सास। क्या नाम लिखते हो? बिकला सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।